अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। सुभारती मेडिकल कॉलेज का एक वीडियो यह बताने के लिए काफी है कि कोरोना की रोकथाम को जिला प्रशासन कितनी गंभीरता से ले रहा है। यहां शिकायत की गई है कि कोरोना के शक में लाए गए लोगों को उन लोगों के ही साथ रखा गया है जो जांच में कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। यहां मौजूद लोगों का आरोप है कि उन लोगों को इस तरह खाना दिया जा रहा है जैसे वे कुष्ठ रोग से ग्रसित हैं, जबकि वे कोरोना नेगेटिव हैं। इन लोगों को आशंका है कि पॉजिटिव के साथ रखे जाने से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 14 दिन बाद उनका कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव पाया जाए। सुभारती मेडिकल कॉलेज में रोगियों को दिया जाने वाला खाना भी निम्न स्तर का होता है, इस आशय की शिकायत समय समय पर होती रही है। यह वीडियो सुभारती का है ऐसा देखने में लग रहा है, लेकिन हम इस बात की तस्दीक नहीं करते। आइए देखते हैं वह वीडियो। तरीका देखें खाना देने का इनका, नहीं हम तो दिखाएंगे ना इस चीज को। देखिए ये किस तरीके का खाना हम लोगों को दिया जा रहा है यहाँ पर। ये खाना देखिए, ये खाना दिया जा रहा है हम लोगों को। खाना देने का तरीका ये है इन लोगों का, ये बासी रोटियां दे दी गई है खाने के लिए, जबकि हम कोरोना निगेटिव लोग हैं और हमें पॉजिटिव वालों के साथ रखा गया ना होते हुए हमें शक के दायरे में डाला जा रहा है। 24 घंटे उनके साथ रखा गया, जिससे हमने अपने सरकार की अपने उसकी जो है उसको जिम्मेदारी को निभाते हुए हमने ये बता दिया इस आदमी से हमने हाथ मिलाया था पॉजिटिव से, और हमने जो है कहा हमें क्वारंटाइन में ले जाओ, और हमें लाने के बाद 24 घंटे उसके साथ रखा गया पॉजिटिव के साथ, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है आदमी के साथ। उसको रात में आज उठा के ले गए ये लोग और हमें इस तरीके से जो है इन्होंने पॉजिटिव के शक में डाल दिया। 14 दिन बाद हमें भी हो सकता है पॉजिटिव, क्योंकि वो 24 घंटे हमारे पास रहा पॉजिटिव आदमी। या तो हमें अलग अलग रखा जाता या हमें एक जगह रखा गया है इनके साथ, तो उस आदमी को जो है हमारे साथ कैसे रखा गया पॉजिटिव वाले को, हमारी रिपोर्ट से पहले एक साथ इकट्ठे कैसे किए गए हम लोगों को। अब ये लोग जो है ये लोग आते हैं हमें छुआछूत की तरह, जैसे हम जो है कोई वो हो कोड़ी हो, ये हमें दरवाजे पे हमारा खाना रख जाते हैं। ये लोग खड़े हुए, ये लोग हमारे दरवाजे पे हमारा खाना रख के चले जाते हैं यहाँ पर। ये सब खड़े हुए हैं, ये सब हमारे दरवाजे पे आते हैं। ये सुभारती हॉस्पिटल है और ये सब लोग आते हैं हमारे दरवाजे पे हमारा खाना रख के चले जाते हैं, और हम अगर पास को आते हैं तो हम तो दूर को भाग जाते हैं, जैसे कि हम बहुत बड़े छुआछूत हों इनसे, जबकि हमारी रिपोर्टें निगेटिव आई हुई हैं। और जो पॉजिटिव रिपोर्ट का है वो आदमी को रात को आज उठा के ले गए ये लोग, और वो हमारे पास 24 घंटे रहा, इसलिए हम अब शक के ला रहे हैं आ चुके। 14 दिन के बाद हम लोगों को भी पॉजिटिव हो सकते हैं हम, इसलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ फेसबुक पर, ताकि आप सब लोग देखें और कोई भी किसी के कुछ ताल्लुकात हो, किसी के कोई ताल्लुकात हो तो उस चीज को जो है आगे जो है इस चीज को सरकार तक पहुँचाए। ये मैं नासिर खान हूँ, ये मैं हूँ नासिर खान, और मैं जो है इस चीज को डाल रहा हूँ। मैं भी एक सरकारी नौकरी में अपनी ड्यूटी कर रहा था और मैंने अपना फर्ज निभाते हुए मैंने इस चीज को जो है वो बताया कि भाई ये जो है एक घंटे के लिए हमारी इस इन लोगों के जो पॉजिटिव आए हैं हमारी मुलाकात हुई है, उस मुलाकात की वजह से मैं यहाँ पर जो है अपने बच्चों को सबको लेकर के मैं यहाँ पर अपना फर्ज निभाते हुए मैं यहाँ आ गया इसमें मेरा खुद एक, और यहाँ पर 35 लोगों के साथ में हम लोगों को सुभारती में रखा गया है, और उसमें 3 पॉजिटिव लोगों को रात को इन्होंने उठाया है यहाँ से, जबकि मेरा बेटा खुद एक डॉक्टर है, और मैं इस चीज़ को अपने मानते हुए समझते हुए और मैंने इस चीज़ को यहाँ पर जो है इसको फॉलो किया कि मैं जो है ये गलत काम ना होने दूँ। लेकिन हमें जो हमारे पड़ोस में भी डाला पॉजिटिव, उसने हमें 24 घंटे शक के दायरे में डाल दिया, उसी टोटियों को बाथरूम को उसने छुआ, उसी टोटियों को हमने छुआ, उसी जो है बेडों को वो छू रहा था। हम शक के दायरे में आ गए ना होते हुए भी उस तरीके के हम पॉजिटिव ना होते हुए भी हम कोरोना के शक के दायरे में आ गए। इसलिए जो है सरकार से निवेदन है कि इन चीज़ों को जो है ख़त्म करा जाए। अगर एक आदमी पॉजिटिव निकल रहा है तो तुम 35 आदमियों को एक जगह उसके साथ क्यों कर रहे हो? सबसे पहले टेस्ट कराया जाए, टेस्ट में जो पॉजिटिव आए उसे अलग करा जाए, बाकी को उसमें क्यों लपेटा जाए? धन्यवाद। लोहिया नगर से फ्लैट से मैं और मेरी पूरी फैमिली 29 तारीख में लेकर आए थे मुझे सुभारती हॉस्पिटल एम्बुलेंस से, सिर्फ एक घंटे के लिए मुझे लेकर आए थे इधर। लेकिन
मुझे आज 24 घंटे हो गए, मुझे कोई बताया नहीं गया और मुझे जो है पॉजिटिव मरीज के साथ मुझे यहाँ रखा गया और अभी तक जो है कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई मुझे बताया नहीं गया कि मैं पॉजिटिव हूँ या नेगेटिव हूँ। ये मेरी फैमिली है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा बच्चा है और ये मेरी साली है इधर। ये खाना भी मैंने अपने हाथ से इनके अंदर डाला है, ये खाना सब मैंने अपने हाथ से डाला है, ये सब मैंने अपने हाथ से डाला है। वो कितनी गंदगी है उधर, तो इस बारे में सुभारती मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर मुक्ति भटनागर से बात की गई तो उन्होंने यह कहा। हाँ जी, को सुबह से एक्चुअली मेरे पास मीडिया वालों को फोन आ रहे हैं, यहाँ जो वो 35 लोग हैं, 4 और आए हैं, 5 और आए हैं, ये वो संदिग्ध में है उस आदमी के कांटेक्ट के लोग और सब एक परिवार के हैं और जिनको जो पॉजिटिव आए हैं, नंबर देखो आंकड़ों में हम हो सकता है गड़बड़ कर दें, पॉजिटिव आए हैं 3 या 4 उनको अलग कर दिया है, जो पॉजिटिव नहीं है वो एक वार्ड में भर्ती है। ठीक है, जो उनको निर्देश है कि वार्ड में भर्ती करो, उनको एक आदमी है जो कि वहाँ पे शोर मचा रहा है और वीडियो वायरल कर रहा है, उसने तो यहाँ धमकी दे दी है कि हमारी या तो छुट्टी करो। नहीं, हमारे पास पढ़ा लिखा आदमी है, वो कोई उसका वो ये कह रहा है कि मुझे तो एक कमरा चाहिए जिसमें 4 बेड है, अटैच टॉयलेट है और नहीं तो हम तो और छुट्टी करो। छुट्टी करना मेरे हाथ में नहीं है, कमरा जिसमें 4 बेड है ये होटल ही दे सकता है और इसको जो है उसने कहा जब तक ये नहीं होगा हम तो यहाँ शोर मचाते रहेंगे। अच्छा, जो मरीज है वो चलो जो पॉजिटिव आया है पड़ा हुआ है, ये जो लोग हैं जो पॉजिटिव नहीं है ये वहाँ बैठे बैठे इनके पास कोई काम नहीं है, केवल खुराफात। फिर उसने दिखाया कि देखो खाने के पैकेट सब जगह पड़े हैं। अरे इन लोगों से पूछो कि तुम्हारी इतनी तमीज नहीं है कि जो खाने का पैकेट है खाना खाने के बाद कूड़ेदान में डालोगे, बेड के बगल में डाला है, कौन जाकर के उठाएगा? मतलब अगर ये एक परिवार के, अच्छा अगर ये नेगेटिव है तो इनको इन्हीं के 35 लोग एक परिवार के हैं, इनको तो ले जा करके इन्हीं के घर में, हाँ ये लोग जाएं और वहाँ से बाहर 2 पुलिस वालों को बैठा दें कि ये भाग ना पाए, घर ना जा पाए, क्योंकि जो पॉजिटिव नहीं है लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव निकल भी सकते हैं बाद में, कम से कम अपने घर में तो करें, अस्पताल में तो के। अच्छा, फिर इनके यहाँ एक 6 या 7 साल की लड़की है, वो कह रहे हैं दूध नहीं मिला, दूध उसको दिया गया है, अगर ये 2 लीटर या 4 लीटर मांगेंगे दूध कहाँ से देंगे? अच्छा, ये जो खाना है इन्होंने फेंका है, एक बार सरकारी सप्लाई का आया था, उसके बाद जितना भी खाना आया है वो हम दे रहे हैं और वो खाना वही खाना है जो हमारे डॉक्टर्स और हमारा स्टाफ खा रहा है। तो अगर डॉक्टर और स्टाफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इनको हम मुर्गा और मटन तो दे नहीं सकते हैं, हम नहीं दे सकते हैं। हाँ, उन्होंने तो थ्रेटन कर दिया है कि हम जब तक हमको छुट्टी नहीं मिलेगी हम तो ये करते रहेंगे। अब हम ना तो कमरा दे सकते हैं ना इनको हम इनके पसंद का खाना हम एक बार बताओ, हम तो घरों में नहीं खा रहे हैं, ऐसी बता रहे हैं पूरे सुभारती में जितने डॉक्टर्स हैं सबसे कहा एक टाइम सब्जी रोटी खाओ, एक टाइम दाल रोटी खाओ, खाना फेंक रहे हैं। मतलब ये अपने को सच्चा मुसलमान बोल रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो डॉक्टर मेन डॉक्टर अहमद चौधरी देखते हैं वो भी मुस्लिम है, हमारी इबादत नहीं है खाना फेंकना? और अगर ये खाना जो इन्होंने फेंका है वो जो कह रहे कीड़े, वही बता दे कीड़े कहाँ है, सरकारी सप्लाई का एक टाइम आया था, कीड़े वीड़े कुछ नहीं थे खाने के, देखिए बासी खाना है। जो हमारा केटर है बस 2 लड़के रह गए और सब भाग गए हैं, इनको पहले देता है सब। जो आइसोलेशन का टेप वो ये होता है, मेरे में भी इस तरीके से खाना रख दो, वो अपना खाना लेके खा लेते हैं। तो ये कह रहे देखो किस तरीके से खाना दिया गया है, अरे बाहर आके अपना पैकेट उठाओ खाना खाओ, खाना मिल रहा है ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो ये अपने वीडियो वायरल कर रहे हैं ये तो उल्टी इन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि तुमने खाना फेंका कैसे। हमारे यहाँ तो कोई अंदर नहीं जा रहा है ना, इसलिए जब बहुत कहा तो सफाई कर्मचारी भी डरते आज अंदर जा रहा है, लेकिन ये बताओ क्या हम इनको झाड़ू दें तो ये झाड़ू नहीं लगा सकते। उधर कृष्णमूर्ति मेरे लड़के ने लगाई है, तुमको चाहिए, क्योंकि जो अंदर जाएगा फिर वो 21 दिन पर आइसोलेट हो रहा है और ये तो ऐसे लोगों से कार्रवाई होनी चाहिए। इस खबर में इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।